हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अगेन विवेकानंद एग्रीकल्चर एकेडमी। आज के वीडियो लेक्चर हम लोग बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर का पेपर सॉल्व करेंगे जो अभी 11 सितंबर हुआ था, ठीक है, 11 सितंबर 2020 में। और इस पेपर में मेरे पास में मेंटल एबिलिटी है, इसके आंसर हैं, और इसके बाद में आपकी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री पर काफ़ी अच्छा आया था, और इसके बाद मेरे पास यहाँ पर बायो है, ठीक है। तो ये बायो वालों का पीसी स्टूडेंट्स के लिए पूरा फॉल यहाँ पर सोल्यूशन है। केमिस्ट्री हम लोग एक वीडियो बनाएंगे इसके बाद में पूरा फॉल सोल्यूशन का बोर्ड पर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। चूँकि अभी पेपर जो है बीएचयू को ऑनलाइन भी था कहीं कहीं पर, और कहीं कहीं पर ऑफलाइन भी था, तो पेपर मिलने में काफ़ी टुकड़ों पेपर मिला है, तो यहाँ पर कंप्लीट सोल्यूशन एक बार में पूरा नहीं है, ठीक है। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हम आपको पूरा सोल्यूशन कराएंगे जरूर। बात करते हैं रीजनिंग में फर्स्ट क्वेश्चन बारे में। इस बार मेंटल एबिलिटी में कुछ क्वेश्चन अर्थमैटिक के भी आ गए, मतलब जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं अगर वो इसको किया है तो वो करीब 20-22 क्वेश्चन किया है। नहीं, अदर जो स्टूडेंट्स हैं बायो के एग्रीकल्चर के, उनको थोड़ा यहाँ मुश्किल हुआ है। हम लोग इसके बाद बात करेंगे इस वीडियो में, इस वीडियो के बाद में, कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है, ठीक है, ताकि आपके अंदर एक धैर्य आ जाएगा, फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, तो इसका फर्स्ट का जो आंसर है वो आपका 2 यहाँ पर सही है, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर आप देख लें, आपके पास सेट कौन सा है, ठीक है, इसमें आंसर है 3.5, यहाँ पर दूसरा आंसर सही है। बात करते हैं हम लोग इसमें थर्ड क्वेश्चन के बारे में। थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास में, हाँ, यदि समांतरण श्रेणी के n पदों का योग, तो इसका जो राइट आंसर है वो इसमें 11, यानी यहाँ पर दूसरा आंसर सही है। बात करते हैं फोर्थ नंबर पर, एक थैले में 40 गेंदे हैं, इसका आंसर जो है 10 सही है, 10 यानी आंसर सी सही है, ठीक है। इसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन यहाँ पर बच्चे ने जो भेजा है पीडीएफ बना के, उसने ठीक से नहीं सेंड कर पाया है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, कुछ अगर मिस्टेक हो तो कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2n पदों तक सम संख्याओं को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, इसका जो आंसर यहाँ पर राइट है वो आपका 4 आंसर सही है, ठीक है। एनवा तथा एन प्लस वन में पद का औसत, ठीक है, मीन ऑफ nth टर्म एंड एन प्लस वन टर्म। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 बारे में। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 2 हैं, अंतिम पद 29 हैं, तो n पदों का तक का योग जो है यहाँ पर कितना होगा, तो यह इसका आंसर राइट है वो आपका 1 आंसर, यानी पहला सही है, ठीक है, यह आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग नंबर 7 नंबर। 7 नंबर जो है ये प्योर मैथ से ही है, ठीक है, मैथ इस बार काफ़ी क्वेश्चन इसमें आ गए हैं। इसमें हम लोग देखेंगे 7 नंबर जो आंसर है द्विघात समीकरण, इसका आंसर इसमें है वो आपका 4th सही है, ये वाला, ठीक है, 2 माइनस 3 बाई 2। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, 8 का जो राइट आंसर है वो आपका 4th सही है, 4 प्लस माइनस 4। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 38 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री, इसका राइट आंसर दे रखा है जो आपका 9 क्वेश्चन का वो 1 सही है, यानी 0, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर का जो आंसर है वो पी क्यू, 4th आंसर सही है, ठीक है। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 11, रीना पूरब की तरफ ए से 10 मीटर, इसका जो यहाँ पर राइट आंसर है रीना वाला क्वेश्चन नंबर आपका 11, यहाँ पर है 5 फीट, आंसर दूसरा सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, अरुण ने कहा यह स्त्री मेरी माँ के पौत्र की पत्नी है, पता नहीं भैया कौन है इसमें, भैया ये है ससुर, ठीक है, बी वाला सही है, चलिए ठीक। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, 30 नंबर जो है एक स्त्री वाला जो है एक स्त्री उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका 13 का जो राइट आंसर है वो आपका है पश्चिम सही, यानी बेस्ट दूसरा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14, 14 नंबर है उस शब्द को चुनिए, तो इसका आंसर है कैलेंडर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक अदर वर्ड इन द ग्रुप, इसका आपका आंसर है कॉपर, ठीक है, कॉपर। बात करें क्वेश्चन नंबर 16, उस संख्या को चुनिए जो समूह को दूसरे से अलग है, तो इसका यहाँ पर आंसर होगा 125, 125, ठीक है। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 17 नंबर, निम्न 4 में से 3 एक तरह से हैं, एक समूह बनाते हैं, इसका राइट आंसर यहाँ पर है आपका 13, 15 यानी 4th आंसर सही है, 13, 15, ठीक है, ये सही है 4th आंसर, ठीक। बात करते हैं 80 नंबर क्वेश्चन आपका जो आंसर है ई ओ, 3rd आंसर सही है, ठीक। फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 नंबर का जो क्वेश्चन है, यदि रोज को, ठीक है, इसका आंसर होगा यहाँ पर 3rd सही, 3rd। फिर हम लोग देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20
20 नंबर का जो क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर वो आपका है 124, ठीक है 124। क्वेश्चन नंबर 20 नहीं, इसका 20 का 125 आंसर सही है, ठीक है गलत है ये आंसर, इसका दूसरा सही है सेकंड, ठीक। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21, 21 का पहला सही है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22 में अगर बात करेंगे तो हम लोग 22 में देखेंगे इसका आंसर है बी सही, ठीक है बी। क्वेश्चन 23, यदि हवा को हरा, हरे को नीला, तो इसका भैया आंसर होगा 23 का आपका आएगा आंसर ए सही स्काई, ठीक है। बात करते हैं 24 क्वेश्चन नंबर की, 24 क्वेश्चन नंबर जो है आपका इसका आंसर होगा आपका 7 सही बी, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट मेंटल एबिलिटी रीजनिंग का, क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर दे रखा है यहाँ पर उसका होगा यहाँ पर कार सही, ठीक है भैया कार, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग सबसे अच्छा सब्जेक्ट केमिस्ट्री का, ठीक है जो काफ़ी अच्छा था, हमने बताया था कल ही आपको एक वीडियो दिया था मोटिवेशन का, बताया हमने फिजिकल केमिस्ट्री बहुत कम आती है बीएचयू में, इस बार फिजिक्स काफ़ी, हालांकि यहाँ पर ऑर्गेनिक कुछ क्वेश्चन काफ़ी लेंथी थे जो उसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स थे, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन हमने अपने टेस्ट सीरीज में काफ़ी दे रखे थे, तो बच्चे जो पेपर लगातार करते रहे उनका पेपर काफ़ी अच्छा हुआ है। हम इस पेपर को कल जो है एक वीडियो बनाएंगे पूरा फुल सोल्यूशन इसमें से, ताकि क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 26 क्वेश्चन, निम्न युगों में से कौन सा मतलब यहाँ पर पूछा है कौन सा नॉट आइसो स्ट्रक्चर, कौन समान यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा थर्ड सही, ठीक है तीसरा आंसर यहाँ पर सही होगा आपका, क्योंकि यहाँ पर इसमें सिग्मा इस पर एक लोन पेयर बचेगा तो इसका स्ट्रक्चर सेम नहीं होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 27, ये क्वेश्चन बी एच यू का रिपीट क्वेश्चन है, आप देखते हैं कई बार आया हुआ, ठीक है इसका आंसर बी सही है नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो इसका आंसर चौथा सही है, ठीक है इधर जाने पर हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी चूंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इसकी बढ़ेगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका ये देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, ये वाला और 27 वाला दो क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, ये क्वेश्चन बीच में आ चुका है करेक्ट, इसमें पाई बॉन्ड नहीं है, ठीक है तो यहाँ पर H2O पाई बॉन्ड हमारा नहीं होता, आंसर यहाँ पर होगा थर्ड सही, ठीक। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर कह रहा है स्ट्रक्चर नॉट सिमिलर टू ग्रेफाइट, आंसर यहाँ पर चौथा सही होगा, ठीक है डी सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 करा, आउटर ऑर्बिटल स्फीयर, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड एक्सटर्नल पैरामीटर, ठीक है मतलब जिसमें अनपे लगता हो, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका अमोनिया, ये तीसरा सही है, ठीक है राइट आंसर थर्ड ऑप्शन सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में, देखिए बताया था मेटलर्जी कम से कम 2-3 क्वेश्चन आएंगे, वास्तव में मेटलर्जी यहाँ पर 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। मिनरल्स ऑफ आयरन तो मैग्नेटाइट, ठीक है मैग्नेटाइट, इसका हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका अच्छा क्वेश्चन जो मैग्नेटाइट वाला मैंने एक वीडियो दिया था 2019 केमिस्ट्री का, उसमें ऐसे क्वेश्चन मैंने बताया था, ठीक है मैग्नेटाइट मैग्नेसाइट एजुराइट ये क्वेश्चन उसी पूछा गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की, कह रहा है H2O3 ऑक्सीडाइज होगा तो यहाँ पर बनाएगा SO4 नेगेटिव, आंसर दूसरा सही है। 34 क्वेश्चन नंबर नॉट लिबरेट नाइट्रोजन, ए भी देता है लैब मेथड है, बी भी देगा एजाइट, ये भी देगा नाइट्रोजन, यहाँ पर आंसर तीसरा सही है, ठीक है क्योंकि ये देता कौन नहीं देता, तो यहाँ पर हमारा तीसरा आंसर ऐसा जो नाइट्रोजन आपका नहीं देगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर कौन कौन से बॉन्ड हैं, केमिकल बॉन्डिंग है, यहाँ पर दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाएगा, ठीक है आंसर हमारा सही है तीसरा सही, ठीक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 36, देखिए ये भी क्वेश्चन आ गया मेटलर्जी से, अर्जेंटाइट सिल्वर होता है, ठीक है Ag2S क्या बोलते हैं अर्जेंटाइट, कुछ बच्चों ने यहाँ पर आयरन मार दिया, ठीक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन नंबर है कौन सा डिफरेंट स्ट्रक्चर है यहाँ पर, तो जिस पर लोन पेयर होगा, बाद बाकी देखिए सभी स्ट्रक्चर तीनों को सेम रखें, लेकिन आंसर यहाँ पहला सही है, ठीक है क्योंकि यहाँ पर इस पर लोन पेयर, इसलिए रेड लेड सिंदूर तो ये है आपका, ठीक है Pb3O4 इसको बोलते हैं रेड लेड या लाल सिंदूर, ये बच्चों हमारा ये आपका सिंदूर ये आपका जो फार्मूला है इसको लिथार्ज बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर रेड लेड आपका तीसरा सही आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि यहाँ पर आपका आंसर होगा ए सही, ठीक है इनर्ट पेयर इफेक्ट, केमिकल फार्मूला ऑफ फॉस जीन, देखिए क्वेश्चन ये कई बार बीएचयू में आ चुका है और मैं कई बार उसको रिपीट किया हूँ और कई बार मैंने बताया भी है कि ये फॉस जीन है, ये किसी बच्चे ने फॉस्फीन मार दिया, ठीक है आंसर इसका ये सही है, फॉस जीन है ये कार्बोनिक क्लोराइड, जब क्लोरोफॉर्म कराते हैं ऑक्सीडेशन तो बनता है ये फॉस जीन गैस, ठीक है इसका नाम भी कार्बोनिक क्लोराइड, कई बार क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन और मैं बताता भी हूँ जब भी क्वेश्चन ये आपका जो ऑप्शन है ये आपका फॉस जीन है, ये फॉस्फीन है, ठीक है ये है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 41
41 क्वेश्चन में है आपका, ये भी क्वेश्चन बीएचयू का रिपीट क्वेश्चन है, आप देखो शायद 2016 या 17 पेपर में है ये, इसका ज्यूटेरियंस, ठीक है, इसको आंसर होगा ज्यूटेरियंस, हाइड्रोलिसिस ऑफ टेबल शुगर, ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, सुक्रोज बोलते हैं तो उसको करेंगे जल अपघटन, क्या बने ग्लूकोज फ्रक्टोज, ठीक है, आंसर ये सही होगा हमारा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा, तो यहाँ पर आंसर है पहला सही, एल्कोहल में केवल प्राइमरी एल्कोहल में ओनली एथिलकोहल, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक, और जबकि सेकेंडरी एल्कोहल में ओनली एल्केन टू ऑल, कीटोन ओनली एल्केन टू ऑन, एल्डिहाइड ओनली एस्टरडिहाइड, इसके अलावा दुनिया कोई कंपाउंड टेस्ट नहीं देता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44, रिपीट क्वेश्चन भी हो चुका, टू फेनल टू ब्यूटेन वन एल्कीन कभी भी कोई जियोमेट्रिक राशिमल शो नहीं करता, हमेशा टू एल्कीन, ठीक है। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है वास्तव में गलत है अगर देखेंगे आप, तो चूंकि यह कह रहा है सेकेंडरी अल्कोहल इजिली कन्वर्ट इन टू द कीटोन, अब देखेंगे आप, देखिए इस ऑप्शन में यहाँ पर दे रखा है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, सेम ऑप्शन है, एकदम सेम यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर पता क्या है 2 का होल 3 है, आप देखिए यहाँ भी देखिए 2 का होल 3 है, इसने यहाँ दे रखा है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, यहाँ देखिए क्विनोन दे रखा है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत दे रखा है, ठीक है, इसका बिल्कुल मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, ये आपको यहाँ पर ये कॉमन करना चाहिए क्वेश्चन को, नहीं तो बीएचयू वाले बता दें इसका आंसर राइट क्या होगा और इसको बता दें कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन चेंज होता है तो आपको पता है कि एसिडिक मीडियम में एक होता है KMnO4, ठीक है, नहीं K2Cr2O7, डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में ये चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। बात करेंगे यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर अगर वो आंसर लगाएंगे तो आंसर यहीं पर यही लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों देखिए कॉमन हो रहा है, ठीक है, बाद में ये एसीटोन है तो होगा नहीं, तो केवल आंसर इसका अगर मानेंगे वो लोग तो इसका चौथा आंसर सही होगा, अगर मानेंगे तो, नहीं तो क्वेश्चन ही गलत है ये। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपका पहला कंपाउंड बनेगा, ए ऑप्शन सही है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपके, ये दो क्वेश्चन लगातार आ गए हैं ऑप्टिकल आइसोमर से, अब मैंने बच्चों को बताया था यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आपका पूछ सकते हैं, तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हमारा इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही है, ठीक है, R&R, इसको हम लोग बोलेंगे, इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है, ठीक है, ए, क्योंकि दोनों कंपाउंड यहाँ पर जो है R होंगे, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल यहाँ पर कंडीशन पर है, मैं इसको एक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आप इनको सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है आपका ICR में भी। बात करें यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर आपका 48, इसका राइट आंसर होगा सेकंड सही, ठीक है, ये किसी ने अच्छा लगाया, इसका आंसर है आपका सेकंड सही है, ठीक। बात करें क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन नंबर जो है हमारा वो ये आपका है, इस रिएक्शन हम लोग बोलते हैं ये यहाँ पर डाइबोरन है, इसकी प्रेजेंस में ये लगाएगा यहाँ पर एंटी मार्कोनी रॉक कॉफ रूल, ठीक है, और ये हमारा कंपाउंड बनेगा प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, यहाँ हमारे बनेगा प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। चलिए अगला हम लोग बोलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर है राइट आंसर है आपका 50 क्वेश्चन का, हॉपकिंस कोल्ड टेस्ट ये होगा ट्रिप्टोफान के लिए, तो ये हमारे क्वेश्चन केमिस्ट्री में आपके हो चुके हैं कितने क्वेश्चन नंबर 50। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका बायो सेक्शन के बारे में, चलिए हम लोग अब बात करते हैं बायो के आंसर, ठीक है, हम लोगों ने मेंटल एबिलिटी केमिस्ट्री कर ली है, हम लोग बात करेंगे बायो सेक्शन के बारे में, जो स्टूडेंट्स मैथ ग्रुप के हैं तो वो यहीं पर रुक जाएं और हम लोग जल्दी ही मिलते हैं फिजिक्स और मैथ के आंसर को लेकर के, ठीक है, क्योंकि बच्चे ने इसमें काफ़ी लीपापोती कर दी है तो क्वेश्चन सही नहीं दिख रहा है, इसलिए मैंने उसको जो है सही से उसको करवा के तब हम लोग आपको सोल्यूशन देंगे। बात करेंगे यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर आपका बायो का 101 यहाँ पर इसका आंसर होगा एम्फीट्राइकस, चौथा आंसर सही है, ठीक है। बात करते हैं 102 क्वेश्चन के बारे में, निम्न में कौन सा नॉस्टॉक एक एंडोफाइट के रूप में नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा आपका पाइनस, चौथा सही। क्वेश्चन देखें हम लोग जो है 103 नंबर, कौन सा ब्रायोफाइट है, बीएचयू की ये रिपीट क्वेश्चन है, इसको हम लोग बोलते हैं बॉगमॉस, चौथा सही है। और ये क्वेश्चन आपका याद हो तो ये क्वेश्चन हमने आपको अभी 2019 का जो बायो पेपर दिया था हाल ही में एक दिन पहले केवल, तो आपको उसमें आंसर था ये सेम क्वेश्चन था, ठीक है। बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 104, पाइनस के बीज में कितने बीज पत्र पाए जाते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा मैनी, तीसरा सही है, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं, नीमेटोफोर आर हेल्पफुल इन नीमेटोफोर, तो यहाँ पर आंसर है रेस्पायरेशन, ए सही। फिर हम देखें क्वेश्चन नंबर आपका 106 नंबर क्वेश्चन है आपका, वो है पेरोक्सिसोम आर एसोसिएट विद, ये भी क्वेश्चन देखेंगे 2019 रिपीट क्वेश्चन बायो का, ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन बायो का जो हमने कल आपको वीडियो दिया था, तो यहाँ पर है फोटो रेस्पायरेशन, ठीक है, मैंने बताया था कि पेरोक्सिसोम जो है पेरोक्सिसोम इसके बाद में आपका हेल्प करता है इसमें फोटो रेस्पायरेशन, पेरोक्सिसोम माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट तीन लोग। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 107, इसका आंसर एग्जाम्पल ऑफ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, तो इसका आंसर हमारा यहाँ पर मिथियोनाइन, ठीक है, इसका आंसर आपका मिथियोनाइन। क्रेंज एनाटॉमी, इसका आंसर होगा आपका शुगर कैन, ए सही।
मैथेन गैस उत्पन्न करने वाला खेत, धान का खेत, पैडी, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एग्रीकल्चर का है। फिर 110 क्वेश्चन नंबर, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे में कितनी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो यहाँ पर होगा 10%, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर है आपका 11 नंबर, फर्न स्पोरेंजियम बस्ट एट किस पर फटती है, तो यहाँ पर होगा स्टोमियम, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 112 नंबर, 112 नंबर का क्वेश्चन है, साइकस एंड एडियंटम रिसेम्बल्स ईच अदर इन, इसका आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर मोटाइल, चल बीजाणु। क्वेश्चन नंबर 113, एन प्लस अरेंजमेंट ऑफ स्टेमेंस इज फाउंड इन पी मटर, ठीक है। देखें क्वेश्चन नंबर हम लोग 114 नंबर, कॉम्पेनियन सेल्स आर क्लोजली एसोसिएट विद, कॉम्पेनियन सेल्स किसके घनिष्ठ रूप से पाई जाती हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा आपका सीव एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 115, इनिशिएशन कोडोन इज जेनेटिक जेनेटिक कोड इच, इसका आंसर होगा ए यू जी, ये क्वेश्चन आपका बायो के रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है, अभी 2019 का, 2019 वाले यहाँ पेपर से करीब अभी तक इसमें 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं। इसके हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर आपका, फेदरी स्टिग्मा इज रिप्रेजेंट्स बाई, फेदरी स्टिग्मा जो है आपका यहाँ पर आंसर होगा वीट, गेहूँ। 117 नंबर, फोटो रेस्पायरेशन इन्वॉल्व, ठीक है, ग्लाइकोलेट साइकिल, सी सही है। बात करें क्वेश्चन नंबर आपका 18 नंबर क्वेश्चन अगर देखेंगे, इसका राइट आंसर है इन मॉस इन मिडिल स्ट्राइल पार्ट ऑफ कैप्सूल, यहाँ पर आपका आंसर होगा कोलुमेला, ठीक है, कोलुमेला। इन ऑन जर्मिनेशन स्पोर ऑफ फ्यूनेरिया गिव्स राइज टू, क्वेश्चन नंबर 119, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर प्रोटोनीमा। बात करते हैं 120 नंबर की, 20 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन इज फाउंड इन कोकोनट, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका सेलुलर, फर्स्ट ऑप्शन सही है। 121 नंबर, 21 नंबर का राइट आंसर होगा आपका, यहाँ पर 21 नंबर का आंसर है मोनोट्रापा, ठीक है, तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 122, फ्रूट ऑफ सनफ्लावर एग्जांपल ऑफ कैप्सेला, दूसरा सही है, ठीक है, कंपोजिटिव फैमिली। बात करते हैं 123 नंबर की, 123 नंबर है, F1 रिसेसिव पेरेंट्स के बीच क्रॉस कहलाता है, तो टेस्ट क्रॉस, पहला सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 124, 124 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है राइट आंसर, लाइगेज एंजाइम इज यूज्ड फॉर, ठीक है, लाइगेज एंजाइम यूज्ड फॉर, तो इसका आंसर होगा ज्वाइनिंग स्टेगमेंट DNA, फर्स्ट ऑफ सही है। 125, बैक्टीरियोफेज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा DNA। 126 नंबर, 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, न्यूक्लियोसोम इज मेड अप ऑफ, ठीक है, न्यूक्लियोसोम मॉडल किसका बना होता है, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका तीसरा सही, H1, H, H2A, H2B, H3, H4 और 200 बेस पेयर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 127, 127 क्वेश्चन नंबर का जो राइट आंसर है, ड्यू टू म्यूटेशन वन अमीनो एसिड, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर सेकंड सही, मिसेंस म्यूटेशन, ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखिएगा, 2019 का क्वेश्चन रिपीट है, देखिए मैंने वहाँ पर आंसर जो है गलत बताया था, पॉइंट म्यूटेशन, लेकिन कुछ बच्चों ने कमेंट किया था, मैंने उसको पिन कर दिया था आंसर को, लेकिन राइट आंसर यहाँ का दूसरा सही है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2019 क्वेश्चन है। अगर आपने पेपर एकदम पहले पढ़ रखा होगा उस वाले वीडियो को, तो आपको यहाँ पर 5-6 क्वेश्चन देखिए एकदम सेम टू सेम मिल चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 128 का जो राइट आंसर है टू एलील्स, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका देखिएगा, तो 2019 के क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है। 129 नंबर देखिएगा, ठीक है, 129 नंबर क्वेश्चन है आपका, द मैन प्रोड्यूसर्स इन एक्वेटिक सिस्टम, इसका राइट आंसर होगा आपका फाइटोप्लैंकटन्स। क्वेश्चन नंबर 130, ठीक है, मेंडल के किस सिद्धांत को मोनोहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा समझाया जा सकता है, 130, तो इसका राइट आंसर है ए सही। 131 नंबर, इसका आंसर होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। बात करते हैं 132 नंबर, 132 नंबर है इसका आंसर सही मेटास्टेसिस। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 133 नंबर, ठीक है, जीन को क्लोन करने के लिए अति उपयोगी एंजाइम क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर चौथा सही, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज। इन यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका होगा इसमें से होगा थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली लार्वल टेल रीजन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 135 क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर्स ऑफ द मेमेलिया, तो 135 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो चौथा सही है, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्रैंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 136 नंबर है,
इन विच एनिमल्स फोर चैम्बर हार्ट प्रेजेंट इन, इसका राइट आंसर आपका क्रोकोडाइल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 137 नंबर देखेंगे। फेफड़ों को रक्त प्रवाह प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका कौन नंबर, क्वेश्चन नंबर 137। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका राइट वेंटिकल। क्वेश्चन नंबर 138, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएट विद द ब्लड कोगुलेशन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका फाइब्रिनोजन, ये आंसर सही है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग एस्ट्रिच बिलोंग टू द क्लास। ठीक है, तो ये होगा आपका ऑस्ट्रिच जो है आर्कियोप्टेरिक्स, नहीं एबिस का क्लास होता है, यहाँ पर बी सही है। ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 140, द्विनाम पद्धति। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन कितने इजी क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो यहाँ पर बात करते हैं 40 क्वेश्चन नंबर, इसमें होगा आपसे लीनियस सही। 141 नंबर मानव की अवधि के दौरान श्वसन के उपयोग में, इसका आंसर राइट है वो आपका सेकंड सही है, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर आपका 142 क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द प्राइमेट उल्टा नहीं होता है। ठीक है, तो प्राइमेट उल्टा नहीं होता, इसका आंसर होगा आपका सेकंड सही, पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, नेवर इन्वर्टेड। चलिए बात करते हैं 143 143 नंबर का जो राइट आंसर है वो आपका है 143 का पहला सही। ठीक है, इसके हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर आपका 144, सबसे कम तापमान जिस जीव पर रहता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग मिनिमम क्रिटिकल टेम्परेचर, आंसर बी सही है। 145 नंबर, इसको देखेंगे क्रस्टेशिया के जंतु कीटों एवं मिरियापाइड से भिन्न होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पर 145 का चौथा सही है, सेकंड पेयर ऑफ एंटीनल्स। क्वेश्चन नंबर 146, ठीक है, ए पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ, 46 का राइट आंसर है आपका सेकंड सही है, इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज इन ए गिवन एरिया। क्वेश्चन नंबर 147, द फर्स्ट वर्टिब्रेट टू अपियर ऑन द अर्थ। 147 इसका राइट आंसर होगा आपका प्लेकोडर्म, तीसरा सही है। फिर हम लोग बात करेंगे 148 का जो राइट आंसर है, फॉसिल्स रिमेन्स ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स वर रिकवर्ड फ्रॉम द रॉक ऑफ, ये क्वेश्चन 148, इसका राइट आंसर है आपका जो है पहला सही है। ठीक है, जुरासिक पीरियड। क्वेश्चन नंबर 149, एवोल्यूशन ऑफ सेक्स हैज बीन नेसेसरी ड्यू टू, क्वेश्चन नंबर आपका है 149, इसका राइट आंसर होगा दूसरा सही, जनरेशन ऑफ वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स, किसी बच्चे ने काफ़ी अच्छा बायो पेपर किया है। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन बायो का है हमारा 150 नंबर। ठीक है, 150 क्वेश्चन नंबर है हमारा, निम्न में रासायनिक ऊर्जा का प्रकाशी ऊर्जा परिवर्तन का उदाहरण कहलाता, तो इसे हम लोग बोलते हैं पहला सही है। ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, तो हम लोगों ने पीसीबी का पेपर पूरा सॉल्व कर लिया है, इसके बाद हम लोग केवल एक सेपरेट वीडियो अपलोड करेंगे एग्रीकल्चर का, चूंकि मुझे एग्रीकल्चर अलग से मिला है, फिर हम लोग बात करेंगे फिजिक्स एंड मैथ के बारे में। ठीक है, इसके बाद एक वीडियो बनाएंगे फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर बीएचयू इंट्रेंस 2020। तो आज की वीडियो ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग जो है तुरंत ही आईसीआर की तैयारी में जुट जाएँ। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।